हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम ओड़ा हलवा बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये सूजी से बनते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच करीबन रिफाइन तेल। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को हमें सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। और फ्राई करते समय हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। अगर आप लोग हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे, जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो सूजी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं ये हल्के लाल कलर के हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सूजी को अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक चलते हैं आगे का काम कर लेते हैं। फिर से उसी कढ़ाई को लिया है, कढ़ाई को गर्म किया है और पहले से भी तो गर्म था, इसे गर्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब इसमें डालेंगे करीबन 1/2 गिलास पानी, तो अंदाज से हमने डाल दिया है। और आप अपने मीठा के अनुसार चीनी डाल दीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग अधिक डालिए, मुझे कम मीठा खाना पसंद है तो मैं थोड़ा कम डालूँगी। तो इसमें 1-2 चीटी दिखने लगी है तो उसी को मैं निकाल रही हूँ। अब इसको हमें उबालना है, ना कि हमें इसका सीढ़ा, ना ही तार, कुछ भी नहीं बनाना। बस इसको हमें 2 उबाल आने तक वेट करना है। जैसे ही इसमें 2 उबाल आए फिर इसमें हम फ्राई किए हुए सूजी को डाल देंगे। अब इसको हमें थोड़ा सुखा लेना है, पानी ज़्यादा है, आप लोग घबराइए मत, सूजी फूलती भी है तो पानी को हमें एक्स्ट्रा ही रखना रहता है। और गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है। तो सूजी देखिए लगभग फूल चुकी है और इसका जो पानी है वो भी जल चुका है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। सूजी अच्छी तरह से पक चुकी है और ये ठंडा भी हो चुका और खाने लायक हो चुका है। पूरा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा तो मज़ा आता है खाने में। अब इसे चलते हैं एक बर्तन में निकालते हैं और आप लोगों को सर्व करके फिर दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप लोगों को सिंपल दिख रहा होगा कि सूजी है और ये तो हलवा है। हाँ, हलवा है। आप लोग मार्केट से हलवा पराठा, हलवा पूड़ी खाए होंगे। एक बार आप लोग पाव और हलवा खाइए, इतने टेस्टी लगते हैं कि आप लोग हलवा पराठा खाना भूल जाएंगे। इस हलवे को आप लोग मीठे तंदूरी रोटी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।